अब हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? ये एक है DBMS, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, समझ में आ गई? क्या है ये? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, यूज होता है क्रिएट एंड एडिट, क्रिएट एडिट एंड मैनेज, ठीक है, क्या चीज? डेटाबेस। डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस, डेटाबेस हम क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डेटा टू स्टोर इन ऑर्गेनाइज फॉर्म। डेटा क्या होता है? डेटा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, रॉ मटेरियल या इसको हम डेटा कहते हैं। यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन है लेकिन वो इनकम्प्लीट है। किसी भी चीज को बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो हमारे लिए क्या है? डेटा है। डेटा की स्टेट्स कितनी होती है? बेसिक स्टेट्स है डेटा की, अल्फाबेट्स की शक्ल में मिलता है हमें, मतलब नेम्स, ठीक है, नंबर की शक्ल में मिलता है हमें, मतलब वैल्यू क्वांटिटी, और दूसरी शक्ल है इसकी कॉम्प्लेक्स, माना किस शक्ल में मिलेगा, उसमें कैरेक्टर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, इस तरह का कोई डेटा। इस तरह की डेटा की मिसाल क्या हो सकती है? किसी का नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी नेम, मतलब जो नाउन की डेफिनेशन है वो डेटा की अल्फाबेटिक फॉर्म है। उसके बाद नंबर्स के अंदर आ जाए तो किसी की एज, कोई मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और प्राइस, वैल्यू क्वांटिटी या मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स ये सारे कौन सी शक्लें हैं इसकी? ये इसकी नंबर्स फॉर्म। और अगर तीसरी शक्ल की बात करें, जैसे मॉडल नंबर, हाउस नंबर, गूगल बैठे रहो, ठीक है, हाउस नंबर, मॉडल नंबर या इस तरह के कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे AH121 या S104, iPhone 16 Pro, ये किस तरह का डेटा है? देखो इसमें कैरेक्टर भी आ रहे हैं, नंबर भी आ रहे हैं, ये सारी चीजें आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो इस तरह के डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं, पहले बनाते हैं डेटाबेस और डेटाबेस को स्टोर करते हैं किसके अंदर? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये है इसका सिलसिला। अभी थोड़ा सा इतना ही समझो, अब थोड़ा प्रैक्टिकल काम करते हैं। जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके सामने खोलेंगे तो ये कुछ इस तरह से खुल जाए। जैसे वर्ड में एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, एक्सेल में एक नई स्प्रेडशीट बनाते हैं, पावर पॉइंट में एक न्यू प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं, इसमें एक डेटाबेस फाइल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। ये आपसे पूछेगा आपको अपना डेटाबेस कहाँ सेव करना है, यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बताना है कहाँ सेव करना है। डॉक्यूमेंट्स पे हमने अपना फोल्डर बना रखा है, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम जाएंगे एक्सेस फाइल्स के अंदर और एक्सेस फाइल्स के अंदर जाके हम एक फोल्डर बना लेते हैं सक्सेस के नाम से। अच्छा, अगर ये एक्सेस फाइल का फोल्डर नहीं है तो आप अपने अपने फोल्डर बना लें। मैंने सक्सेस के नाम से एक फोल्डर बना लिया और उसमें हम इसको बना रहे हैं डेटाबेस, जैसे SMS01, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से बना रहे हैं। ओके कर देते हैं और उसको क्रिएट कर देते हैं। जैसे क्रिएट करेंगे ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब ये एक डेटाबेस की फाइल बन चुकी है। अगर हम चाहें तो फाइल में जाके इसको क्लोज कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे चले जाते हैं, क्लिक कर देते हैं, अपने फोल्डर पर क्लिक करेंगे, एक फोल्डर जो भी हमने बनाया था इसके अंदर, और उसमें आपको ये डेटाबेस की फाइल दिखेगी। इसका आइकन नोट कर लें, इसका नाम है SMS01 और इसकी टाइप है SECDB। जैसे वर्ड की फाइल की टाइप डॉक्स होती है, एक्सेल की फाइल की टाइप XLS होती है, पावर पॉइंट की फाइल की टाइप PPTX होती है, इसकी टाइप होती है ACCDB, ठीक है, क्रिएट हो गया। इसको खोलने के दो तरीके हैं, यहाँ से खोल लें
और एनेबल कंटेंट कर लें। दूसरा तरीका है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लोड कर लें। जैसे ही क्लिक करेंगे लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद यहाँ से क्लिक करें ओपन पर, या आप रीसेंट फाइल में भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ब्राउज कर लें, और अगर रीसेंट फाइल से खोलना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी चल सकता है। ठीक है, क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके सक्सेस पे क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी यहाँ से या वहाँ से कहीं से भी ओपन हो सकती है। अब ये जो आपने बनाया है वॉट इज ACCDB। अब ये वॉट इज ACCDB क्या है? इट्स अ डेटाबेस सोर्स फाइल। ये डेटाबेस की सोर्स फाइल है which is stored elements of database, ठीक है, जो डेटाबेस के एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। एंड इट्स क्रिएटेड बाय MS Access, सो इट विल बी एक्सेस बाय ओनली MS Access, ठीक है। क्योंकि ये डेटाबेस फाइल जो है किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में बना है, तो ये उसी के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या स्टोर होंगे? डेटाबेस के तमाम एलिमेंट्स। अब आपसे कोई सवाल पूछ ले कि डेटाबेस फाइल कौन सी है, तो आप बताएंगे ये जो हमने ACCDB फाइल बनाई है, यानी कि ये वाली फाइल, ये हमारी डेटाबेस फाइल है, ठीक है। और डेटाबेस कहाँ है? इसके अंदर स्टोर होगा। डेटाबेस कोई एक चीज का नाम नहीं है, डेटाबेस के काफी एलिमेंट्स हैं। डेटाबेस एलिमेंट्स, हिस्से, अनासिर। सबसे मेन एलिमेंट है टेबल। अब हम ये कहेंगे टेबल इसका मेन एंड बेसिक, मेन एंड बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। स्टार्ट होता है यहां से डेटाबेस बनना, ठीक है। टेबल क्या होता है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच इज यूज टू स्टोर डेटा इन टेब्यूलर फॉर्म। अब यहाँ पे एक आसान सा तरीका है, हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में डेटा कहाँ स्टोर होता है? लैपटॉप या कंप्यूटर में डेटा कहाँ स्टोर होता है? आपके पास लैपटॉप है, उसमें डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है? जो भी आप डेटा फाइल, फिल्में, गाने, हार्ड डिस्क में। और क्रिएट कहाँ होता है? सॉफ्टवेयर पर। यहाँ पर भी इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझेंगे, ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है और टेबल उसकी हार्ड डिस्क है। डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, टेबल उसकी हार्ड डिस्क है। जो भी रिकॉर्ड डालेंगे वो कहाँ जाएगा? तो इसलिए डेटाबेस का मेन एलिमेंट और बेसिक एलिमेंट। बेसिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहीं से डेटाबेस उगेगा, शुरू होगा। और मेन इसलिए कह रहे हैं इसके बगैर डेटाबेस बन नहीं सकता, सही है। तो वो कौन है? टेबल है। और टेबल हमने पहले भी पढ़ा वर्ड में, फिर एक्सेल में, कि भाई ये एक टेबुलर फॉर्म है डेटा को स्टोर करने की, और इसमें रोज एंड कॉलम होते हैं, ठीक है, कॉलम और रोज। अब यहाँ पर आपको समझना है कि टेबल कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इंटरफेस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों से ईजी है। ये टाइटल बार है, ये इसका ऑफिस रिबन है, इसको अब यहाँ से कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करें, ये इसके मुख्तलिफ टैब हैं, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, हेल्प, फाइल में जाके सेव, सेव है इसके वही कॉन्सेप्ट, फाइल को सेव वगैरह। उसके बाद ये इसका इंपॉर्टेंट नेविगेशन पैन, सारे एलिमेंट यहाँ नजर आएंगे। कैसे? एक टेबल बनाना है, होम में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से टेबल पे क्लिक करेंगे। टेबल पे क्लिक करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे जाके हम एक नाम लिखेंगे, सपोज टू बी यूजर ने, यूजर के नाम से ओके करेंगे। क्लिक करके राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू पे जाएंगे, ठीक है, यहां से हम इसको टेबल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहली फील्ड है यूजर आईडी, ठीक है। तो आईडी को हम कन्वर्ट कर देंगे यूजर आईडी में। ये एक यूनिक नंबर होगा, इसकी टाइप को डेटा टाइप में ऑटो नंबर पे ही रखेंगे, ठीक है। दूसरा, यहां जाके यूजर नेम, इसकी फील्ड का नाम रख रहे हैं। किसका नाम रख रहे हैं? हम यहाँ पे टेबल को डिफाइन कर रहे हैं,
ठीक है, यहाँ पे जाके इसकी टाइप जो रखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। शॉर्ट टेक्स्ट मतलब सिंगल लाइन डेटा एंट्री, ठीक है। फिर यहाँ जाएंगे पासवर्ड, और यहाँ पे जाके इसकी टाइप भी शॉर्ट टेक्स्ट पर रखेंगे। इट मींस कि सिंगल लाइन डेटा एंट्री, सेव करेंगे, ठीक है। अच्छा, यूजर नेम पासवर्ड। फिर यहाँ पे अगर मुझसे मिस्टेक हो गई कि मुझे कोई और फील्ड ऐड करानी थी, यहाँ क्लिक करके इंसर्ट रो करूंगा तो नई फील्ड ऐड हो जाएगी। लेट्स सपोज फर्स्ट नेम, और यहाँ पे क्लिक करके लास्ट नेम, और यहाँ पे जाके फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूजर नेम, और फिर यहाँ पे हमने ले लिया कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के लिए भी शॉर्ट टेक्स्ट ही मैं यूज करने लगा हूँ, ठीक है। और फिर इसको यहाँ से सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जो है काफी सारी सी फील्ड्स को बना लिया है। क्लोज कर दें टेबल को। ये टेबल का आपने डिजाइन किया कैसे, दोबारा से जाना है राइट बटन डिजाइन व्यू, जो भी फील्ड्स ऐड करनी है रिमूव करनी है यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब डेटा इंटर करना है, वैसे दिस इज नॉट राइट प्रोसीजर टू क्रिएट टेबल और टू इंटर डेटा, पर हम फिर भी बता रहे हैं कि डेटा इंटर करने के लिए टेबल को आप खोलेंगे ओपन डेटा शीट व्यू में। फर्स्ट नेम में आपने नाम लिखा, सपोज टू कि जतिन कुमार, और जतिन कुमार के नाम से यूजर नेम बनाया, और पासवर्ड हमने इसका रख दिया जतिन, और मोबाइल नंबर इसका हमने यहाँ पे ऐड कर दिया सेव। ये जो ऐड हुआ इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्ड। अब आए रिकॉर्ड किसे कहते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड अ सिंगल लाइन एंट्री, ठीक है, अ सिंगल लाइन एंट्री विच इज स्टोर्ड इन टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। रो रिप्रेजेंट रिकॉर्ड, ठीक है, समझ में आ गई। ये हमने जो ऐड किया ये क्या है, एक रिकॉर्ड है। अब दूसरा रिकॉर्ड डाल देते हैं, सपोज टू बी जीशान हैदर, जीशान हैदर, और पासवर्ड इसका रख दिया हैदर, और ये इसका मोबाइल नंबर हमने एंटर कर दिया, कंट्रोल एस सेव, और ये डेटा हमारा टेबल में स्टोर हो गया। तो फील्ड्स क्या होती है, फील्ड्स, ठीक है ना, अ पर्टिकुलर आइटम दैट इज स्टोर्ड डिटेल्स अबाउट एंटिटी, किसी भी एंटिटी के बारे में जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है उसको हम फील्ड में स्टोर बताते हैं। कॉलम रिप्रेजेंट फील्ड, कैसे, आइए राइट बटन डिजाइन व्यू। ये जो आपने डिफाइन किए ये सब क्या थी, फील्ड नेम, और फिर जब आपने फील्ड में डेटा इंटर किया तो क्या इंटर हुआ, एक रिकॉर्ड। ये देखिए यहां बता रहा है रिकॉर्ड वन ऑफ टू, आपके टेबल में दो रिकॉर्ड है। आपने अपने टेबल में कितनी फील्ड्स डिफाइन की हैं यहाँ बता रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फील्ड्स आपने इसके अंदर डिफाइन की हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल बनाते हैं, टेबल की फील्ड डिफाइन करते हैं और डेटा को एंटर करते हैं। आपने भी इस तरह का टेबल बनाना है, उसमें 10 रिकॉर्ड एंटर करने हैं अलॉन्ग विद डेटाबेस के।